हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन कसूरी मेथी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कसूरी मेथी बनाने के लिए हमने 500 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है, 4 मीडियम साइज़ की प्याज चॉप की हुई, 3 टमाटर पिसे हुए, 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2 टेबलस्पून कसूरी मेथी, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, फ्रेश क्रीम और 200 ग्राम दही। एक कढ़ाई में हम 1 कप ऑयल डालेंगे। और उसमें कटी हुई प्याज डालेंगे। प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का फ्राई करना है। प्याज हल्का फ्राई होने के बाद हम इसमें चिकन डालकर प्याज को मिक्स करेंगे। चिकन का पानी सूखने के बाद उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे, पिसा हुआ टमाटर ऐड करेंगे, फिर उसमें पाउडर मसाले डालेंगे, फिर उसको अच्छे से भूनेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के लीड बंद करके 10 मिनट के लिए पकने देंगे। जब तक चिकन पक रहा है हम दही को फेंट लेते हैं। याद रखिए दही 150 ग्राम लेना है। फ्लेम को स्लो करके लीड हटाकर मसाला चेक करेंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें। जब हम कसूरी मेथी ऐड करेंगे तो और अच्छी खुशबू आएगी। अब हम इसमें दही ऐड करके मिक्स करेंगे। फिर लिड लगाकर हाई फ्लेम पे 5 मिनट पकने देंगे। अब हम इसमें 1/2 कप फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे। क्रीम से हमारी ग्रेवी थिक हो जाएगी। देखिए हमारी ग्रेवी थिक हो गई है। अब हम इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे और थोड़ा पकने देंगे। अब लीड को बंद करके 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे छोड़ देंगे। ये देखिए हमारी कसूरी मेथी बनके तैयार हो गई है। अगर आपको मेरे चिकन कसूरी मेथी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए। थैंक यू।